अच्छा, जैसा पहली वाली में अच्छा था वैसे सेकंड वाली में अच्छा। इस फिल्म में आपको सबसे अच्छा काम किसका लगा? सबसे अच्छा काम ऑब्वियसली विद्युत जामवाल का, मतलब उनके एक्शन सीन्स, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके चलने का स्टाइल, इवन जो जेल जाने के बाद जो उनका जो जेल के अंदर का एक्शन हम लोग इसके लिए पहले शूट आउट एट वडाला में देख चुके, तो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता था, बट बहुत अल्टीमेट और बहुत अच्छा। अच्छा, इस फिल्म में जो एक्शन वीएफएक्स है जैसे कि ब्लड गिरना ये सब, तो आपको नहीं? नहीं, ओरिजिनल ओरिजिनल। देखिए, जब ओटीटी पर मूवी देखी थी, जैसी ओटीटी पर देखी थी वैसी ही थिएटर में लग रही थी, वो कोई फर्क नहीं लग रहा था। बट हाँ, ये कि मूवी को थोड़ा सा और बेहतर बना के उसको थिएटर्स की तरह बना सकते थे या फिर ओटीटी पर रिलीज करते तो ज्यादा अच्छा लगता। अच्छा, आपको मजा कब आता मूवी करना, फर्स्ट हाफ में आता है फिर सेकंड हाफ? अरे, दोनों हाफ को गोली मारो, जब जब विद्युत जामवाल नजर आता है ना फिल्म में, तब तब मजा आता है। विद्युत जामवाल हट जाता है ना तो फिल्म में मजा ही नहीं आता। सपोर्टिंग कास्ट बहुत अच्छी, मतलब इसमें एक लेडी है जो विलन का रोल कर रही है, उनका रोल बहुत अल्टीमेट, मतलब मुझे पहले ऐसा लगा था कि इनकी जगह पर दिव्या दत्ता को होना था, बट जैसे जैसे फिल्म में मैं उनको आगे देखता हूँ ना तो उनको देखकर मजा आता है। शिवाली का जो इस फिल्म की हीरोइन है उनका काम भी बहुत अच्छा, और इन दोनों से जो अच्छी एक्टिंग है वो उस बच्ची की है जो इस फिल्म में विद्युत जामवाल की बेटी का रोल करती है, मतलब कहीं भी उनका करेक्टर लूज नहीं होता, बट हाँ मजा आता है, इंगेजिंग मूवी। अच्छा, इसका जब ट्रेलर आया था लोग इससे भागे टू से कंपेयर कर रहे थे कि उसमें भी टाइगर के बेटी, दिशा के बेटी, तो कहानी क्या वैसी है क्या? नहीं, देखिए उसमें तो एक ही शहर के अंदर पूरी, वो कहाँ आर्मी का सोल्जर होता है, मुंबई आता है, वहीं उसकी बेटी को ढूंढता है, लेकिन इसमें कहानी कुछ अलग थी। एक आम, मतलब स्पॉइलर नहीं दूंगा, एक आम आदमी होता है, उसकी बेटी को लेकर जाते हैं और वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो इसके पहले जहाँ अपनी बीवी को ढूंढने जाता है वैसी जगहों पर ही जाता है अपनी बीवी को। कहीं ना कहीं ये फिल्म मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसके पहले बागी 3 जो अपने भाई को ढूंढने जाता है वैसा खोज पड़ताल के ऊपर फिल्म बनी हुई है। ऐसा ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म एंटरटेनिंग है? एंटरटेनिंग तो है, देखिए फिल्म कहीं बोर नहीं करती, फिल्म में कोई ऐसा इंटीमेट सीन भी नहीं है जिसे आप फैमिली के साथ नहीं देखते, कुल मिला के फिल्म जो है वो फैमिली एंटरटेनमेंट है। दूसरा, फिल्म को देखकर मजा भी आता है, एक्शन भी अच्छे हैं। इफ़ यू आर डाई हार्ट फैन ऑफ विद्युत जामवाल तो आपको मूवी ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि मुझे विद्युत जामवाल सर पसंद है, तो ये मूवी आपको ऑब्वियसली अच्छी लगेगी। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा? बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, मतलब जहाँ जहाँ एक्शन सीन्स डाले गए ना वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तगड़ा काम करता है, और फिल्म को देखने के बाद आपको ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि यार फिल्म में ये चीज़ की कमी थी, वो चीज़ की कमी थी। बट कहीं ना कहीं मैंने कहा ना आपको, जो फारूक का नाम है डायरेक्टर साहब का, फारूक सर, उनके कहीं लिखी भी शायद उन्होंने ही है फिल्म को ना, तो कहीं ना कहीं उनकी लिखावट में कमी रह गई, कहीं ना कहीं डायरेक्शन में कमी रह गई। कहीं ना कहीं लिखावट में कमी रह गई, कहीं ना कहीं डायरेक्शन में ऐसा। अगर फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करते तो वो शायद ज्यादा अच्छी लगती। अच्छा, आप मुझको ये बताइए कि जब आप मूवी को देखते हैं तो आप मतलब ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहेंगे मूवी को कि हाँ वो आए देखने? ऑडियंस को मैं क्या रिकमेंड करूँ, बाकी 3 वाली तो फीलिंग नहीं आती। नहीं, ऑडियंस को रिकमेंड मैं क्या करूँ, मैं कौन होता हूँ रिकमेंड करने वाला, सिर्फ 5 लोग बैठे थे, एक तो कपल थे बाबू सोना वाले, वो तो एकदम सात चमकर पार बैठे थे कोना पकड़ के, और 2 लड़के बैठे थे वो आपस में लगे हुए थे, ऑडियंस बहुत कम थी, बट आप फिर भी ये कि फिल्म को देख सकते हैं। 10 out of 7 स्टार दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अभी भी सबसे बड़ा डिसअपॉइंटेड मैं ये कहूँगा कि फिल्म को OTT पर रिलीज करना था, आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी पैसा खराब किया, थिएटर्स वालों का भी खराब किया, फिल्म को OTT पर रिलीज करते तो शायद ज़्यादा चलती, समय एक्चुअली फिल्म को OTT पर रिलीज करते तो शायद ज़्यादा चलती, ज़्यादा कमा भी लेती। थैंक यू।